हेलो गाइस, तो क्या हाल है सभी के। नया दिन नया मैं, और आज है मेरा नया व्लॉग। तो जिसने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अभी जा रहा हूँ जिम, और अपनी कैब आ चुकी है, सामने खड़ी है। अभी चलते हैं जिम, आज मैं दिखाता हूँ कितनी। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है इसके। अब सही आ रहा है। ओह, नूरानी चेहरा यार, थोड़ी सी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो यूँ है, जाना पड़ता है जिम में। सस्ती जिम है, मैं तुम्हें प्राइस बताता हूँ कितना है। अभी गाड़ी में बैठने दो। हाय, हाउ आर यू। यस मोहन, देख लो पीछे कितना बढ़िया मौसम आ रहा है। ये एक नंबर का है। तो यहाँ से है मेरी जिम थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि 2-3 माइल है। तो फिर बस भी चलती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो रहा था, तो मेरे को शाम को आगे कुछ काम भी है, इसलिए जल्दी हो जाता हूँ। वैसे मैं जाता हूँ हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, ज़्यादा दिन नहीं जाता। बालों को क्या हो रहा है यार, बाल भी ऐसे हो रखे हैं, केयर नहीं करी जाती है बालों की बिल्कुल भी। तो अभी पिछले वाले लोग, मेरा कमेंट आया था कि हाँ भाई, वो यूँ पूछते हैं, एक ही बंदे का आया था, इतने किसी बंदे का नहीं आया था। वो यूँ पूछ रहा था कि भाई, मतलब यूँ बताओ कि आना जाना कैसे है, एक्सपेंसेस कितने अमेरिका में रहने का। तो देखो मेरा क्या था, मेरा था स्टडी वीज़ा। अब कैमरे के क्या हो रहा है भाई, फोकस कर ले यार, मेरे ऊपर करना, छिपा फोकस कर रहा है। तो उसमें क्या था कि मेरा लगा है स्टडी वीज़ा, मैंने दिया था इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। अमेरिका में जैसे लोग डंकी के थ्रू भी आते हैं, 2 नंबर, जो हम 2 नंबर कह देते हैं हरियाणा पंजाब में, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। लेकिन मेरा लगा है अपना स्टडी वीज़ा, और उसके लिए जैसे हमारा एजेंट है वो है नारनौंद के, उनका वैसे चंडीगढ़ में ऑफिस है। तो ये तो होगी उनकी बात। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं, जैसे अगर किसी को उनका नंबर चाहिए तो तुम कमेंट कर देना, मैं उसमें तुम्हें नंबर दे दूँगा उनका कॉन्टेक्ट। और रही बात दूसरे एक्सपेंसिस की और सेविंग की और जॉब्स की, देखो हमारा क्या है, जो हमारी है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। हमें मिलते हैं हफ्ते के सिर्फ 20 घंटे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और देखो, और बाकी वो है ही कि हाँ भाई, बाहर जुगाड़ लगा के तुम्हें कहीं मिल भी जाए तो वो है, तो खर्चे निकल जाते हैं। और बाकी वही, अगर तुम सेविंग करना चाहते हो, यूँ चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारी फ़ीस निकल जाए। अब जैसे मेरी फ़ीस है साल की $16,000, मतलब कि कुछ कुछ करीब करीब 14-15 लाख रुपये। अब देखते हैं, ट्राई, अभी तो स्टार्टिंग है अभी तो। और बाकी तुम अगर हाथ पोछ के चलोगे तो हमारे एक्सपेंसिस भी निकल ही जाएंगे, बाकी सब तो ठीक। ये देखो कैलिफोर्निया के रोड्स, ये हमारा शहर फ्रेस्नो, ये क्या बात है। ये भी सोच रहा होगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये। वैसे इतना किसी को कहते नहीं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि अगर कोई बंदा क्या पहन रखा है, कैसे क्या है, कैसे कुछ, इनको कुछ मतलब नहीं है, इनको बस खुद से मतलब रहता है। और दूसरी बात, ये लोग फील बहुत जल्दी कर जाते हैं, इनसे कुछ मत कहो, इनसे चुपचाप, हाँ भी इसने अगर ये कुछ सुन रहा है, फिर कुछ भी खा पी रहा है, कैसे भी पहन रखे, कुछ मत बोलो, इग्नोर मारो। अगर इनको थोड़ा सा कह दें कि हाँ भी इनको थोड़ा सा भी हंसती है इनकी तरफ देख के, तो उसी टाइम ऑफेंड हो जाते हैं, और फिर सीधा पुलिस को कॉल करते हैं कि हाँ भी ऐसे ऐसी बात है। बड़े टंटे हैं, ऊपर से ट्रैफिक रूल्स भी बहुत तगड़े हैं, मतलब सही है, इंडिया जैसा हाल नहीं है। फोन तो सुनता ही नहीं बिल्कुल भी, महीना 1.5 महीना हो गया मेरे को, 1.5-2 महीने हो गए, फोन की आवाज़ नहीं सुनी मैंने अब तक एक भी, और नहीं तो पैं 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 वैसा हाल है। बाकी अभी जिम बस पहुंचने वाला हूँ, 5 मिनट में पहुंच जाऊँगा, फिर मैं जिम दिखाता हूँ कितनी सस्ती है हमारी, बढ़िया है, एक नंबर की है, और सस्ती भी कितनी। ये आगे भाई अपनी जिम सामने, अगर तुम दिख रही हो तो फोकस के क्या हो रहा है कैमरे के यार, मैं उधर के बताता हूँ। Okay, thank you. You're welcome, man. Have a good one. Bye. There's a button right there. Okay, thank you. Have a nice day. You too, thank you. ये अपनी जिम Planet Fitness, तगड़ी है, और इसकी प्राइस है मंथली $10, ज़्यादा नहीं है, $10 भी बहुत है यार, $10 तो मतलब मान लो 800 रुपये, और जिम के हिसाब से तो बहुत सस्ती है। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ कैसी है। तो अपने ट्रेडिंग में जा चुके हैं, तो लोग के चक्कर में बार बार गाने बंद करने पड़ रहे हैं, तो दिखाता हूँ तुम्हें जिम में अच्छी है। ये देखो बहुत बड़ी जिम है,
ट्रेडमिल ही ट्रेडमिल है, इतने तो बंदे नहीं है जितने ट्रेडमिल है। ये साइड बेंच प्रेस है, ये उस साइड सारा डंबल वेट, उस साइड सारी मशीनें, और मेरे पीछे की साइड है सारा का सारा कार्डियो का। इसका नाम है प्लैनेट फिटनेस, वो देख ही लिया हो कितनी बार बता दिया मैंने। और मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ अगर बेंच प्रेस में खाली मिल जाए तो। मेरे चार है, चारों चारों भरे हुए हैं। अब मैं जब तक ट्रेडमिल करूँगा जब तक मेरे को खाली नहीं मिल जाता, वरना पीछे वेट करने लगता है। जिम उसके लिए वेट बता दो, बेंच प्रेस के लिए मैंने पीछे वाली वीडियो देखी थी, मैंने बढ़ाई थी, उसमें इतनी तेज गाने बज रहे थे, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही। अभी भी बहुत तेज गाने बज रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा उतनी तेज बज रहे, लेकिन ये एयरपोर्ट से कनेक्ट करने से ज़्यादा तेज़ लग रही है इसमें आवाज़। पीछे कर रहे हैं लोग दिख रहे हो तो ये है। अभी देखता हूँ यार, बहुत टाइम लगा मैं तुम्हें, बैठे 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 दो तीन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी कम तक होंगी एक घंटा लगा देंगे। हाँ मतलब वो ठीक है कि हमें आराम से करनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम थोड़ी लगता है। एक दो एक्सरसाइज में भी तीन सेट मारेंगे दस दस के, उसमें भी दस सेट दस मार लिए रैप, उसके बाद उसमें बैठेंगे कम से कम भी दस मिनट बैठे रहेंगे फ़ोन चलाएंगे बैठ कर। अरे यूँ तो देख लो कि चला बंदा तुम्हारी बाट में खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हैं, अंग्रेज जाएंगे मेरे चूने देख देता हूँ, चून ये देखते मेरे चूने धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ ही अपनी बेंच प्रेस। यहाँ मैंने फ़ोन रखने की जगह नहीं है, वरना मैं दिखा देता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखिए शीशा है सामने थोड़ा, ट्राई करता हूँ। अगर तुमने कोई मशीन यूज़ करी है तो उसको साफ करना होता है, जैसे ये पेपर सारा यहाँ से मशीन है इनकी यहाँ पे, उसके बाद दो क्या नाम ये रखा इसको हमारा स्प्रे सैनिटाइजर स्प्रे, और उसके बाद इसको जो सीट है उसको साफ करना होता है। ठीक है, अपने इंडिया में तो यही है चैलेंज में लगा पसीना उसी ऊपर कर रहे हैं, उसकी वजह से साफ करना होता है। ये जो रोड है इन सबको क्लीन करके फिर जाके अगले बंदे को दे दो, यू कैन यूज़ इट। उससे मैं दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देता हूँ, वो भी हमारे लिए साफ करता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई उसने हमें गंदा नहीं करके दिया। अब मैं आके दिखाता हूँ, ये सीन है। तो अभी थोड़ा और वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मिक्स वर्कआउट करने की, क्योंकि मेरे को डेली में आ नहीं पाता इसलिए। आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं एक दो साल में तो आ ही जाएंगे ऐप्स, क्योंकि मैं क्या करता हूँ मैं डेली नहीं आता, मैं आता हूँ हफ्ते में कुछ चार दिन, तीन दिन हो जाता है, एक दिन में कई बार कुछ काम पड़ जाता है तो आ नहीं पाता, क्योंकि तीन दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती है सुबह, फिर उसके बाद शाम को मेरे को कहीं जाना होता है, फिर उसके बाद चार दिन की जो छुट्टी होती है सुबह सुबह टाइम होता है, और मंडे और वेडनेसडे को जैसे पूरा दिन फ्री रहता हूँ, मंडे वेडनेसडे को तो पक्का आता हूँ, और बाकी सैटरडे संडे को ट्राई करता हूँ आने की, थोड़ी अपनी हेल्थ सही रहती है, थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा उस टाइम में, बढ़ जाएगा। अभी चलते मैंने पास देखी है 3:38 की है, 15 मिनट में आ जाएगी। अभी थोड़ा लोकल रूम में चलता हूँ फिर जाता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा अपने मतलब डेली व्लॉग सुनाने की, क्या है ना यार टाइम नहीं मिलता इसलिए लेट हो गया वाला व्लॉग, वरना पहले वाले दो तो लगातार डाल दिए थे। तो भाई बने रहना सारे, जिसने सब्सक्राइब किया था बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी शेयर कर दो, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और जो जो भाई यहाँ अमेरिका आने की तैयारी कर रहा है भाई बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 2024 तक और जो बंदे दो नंबर में आने की कोशिश कर रहे हैं भाई 2023 के एंड में आ जाओ, क्योंकि 2024 में इलेक्शन और ट्रंप यहाँ पे अब
बहुत सख्त कानून लाएगा, क्योंकि जो बाइडन है ना उसने मतलब डील सी दे रखी है सबको। लोग यहाँ पे दुकानों पे चोरी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ट्रंप के आते ही सब कैसे तैसे कर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखो। और जो बच्चे स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ी दिक्कत कर सकता है। इसलिए जो आ रहे हो जल्दी आओ, इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस है, तो तुम इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें हमारे एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट, और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बस स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में आ गए 200-250, मतलब इतना 300 थे मेरे साथ, 300 हाँ उसमें व्यूज चले गए थे। मैं सरप्राइज था, मेरे को लगा आ जाएंगे कुछ 50-60 भी जाएंगे, लेकिन सही आए। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, यहीं ब्लॉग एंड करता हूँ, और आगे भी और मैं नए ब्लॉग लेके आऊँगा, अलग अलग चीज़ें दिखाऊँगा, क्योंकि क्या है ना, एक चीज़ को बार बार नहीं दिखाया जाता। यूनिवर्सिटी एक बार दिखा दी, और मैंने तेजपाल के साथ भी एक बार होया, जिम मैंने आज दिखा दिया। अब नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया दिखाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा कि हाँ भाई जो मैंने भी पहले कभी एक्सप्लोर ना करा हो, ऐसे ट्राई करूँगा, ठीक है। तो भाई